हेलो हेलो स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। स्लोली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज सेकंड लास्ट टॉपिक यू कैन से, और वी हैव टू मोर थ्री मोर स्मॉल टॉपिक्स एज अपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पे एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, बट दे आर लिटिल बिट शॉर्ट टॉपिक्स, स्मॉल टॉपिक्स, एंड दिस इज the last important topic with diagrams. Okay, now the main aim or idea behind development or production of seed is producing young ones of own kind, perpetuation, increase in number of individuals, formation of upcoming generations or next generations is the main goal of reproduction. ये हमने सबसे पहले टॉपिक में पढ़ा था, बराबर। और यहां अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का एक बेहतरीन डिपेंडेबल तरीका जो है वो है सीड। How will you define seed? Fertilized ovule is called as a seed. Seed is a vehicle of propagation. ये दो सबसे important terms है जो seed को define करते हैं। एक चीज हम लोग और ऐड कर सकते हैं कि सीड इज डिफाइंड एज फ्यूचर प्लांट, बिकॉज व्हेन यू सो द सीड अ न्यू प्लांट डेवलप्स, सीड जर्मिनेट्स एंड अ न्यू प्लांट डेवलप्स। इन जिम्नोस्पर्म्स आल्सो सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, इन एंजियोस्पर्म्स आल्सो सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, बोथ आर फेनोगैम्स, बट इन फ्लावरिंग प्लांट्स द डेवलपमेंट ऑफ सीड इज ऑलवेज अकंपनीड बाय डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। But for formation of seed and fruit, the first step will be pollination. Development of seed is initiated by fertilization, is no doubt. But fertilization होने के लिए pollination होना जरूरी है। जब fertilization की process हो जाती है तो ovule की integuments जो है वो seed coat में develop होती है। जैसे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, बराबर। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल डेवलप इनटू सीड कोट। ओके, सिमिलरली zygote develops into embryo also. This seed coat shows two layers. Seed coat जो है वो दो layers दिखाता है. The outer layer of the seed coat is called as a testa, which is thick in nature. Whereas the inner layer is known as a tegmen, which is thin in nature. So testa and the tegmen together develop seed coat, and this seed coat encloses embryo. In the previous lecture we have studied parts of embryo, embryo axis and the cotyledons, बराबर। ऐसी जो सीड्स है जो ओव्यूल से डेवलप हुई, उस ओव्यूल में हम लोगों को पेरिस्पर्म का भी प्रेजेंस या न्यूसिलस का प्रेजेंस मिला था, बराबर। ओव्यूल शोज न्यूसिलस, फर्टिलाइजेशन के बाद अगर न्यूसिलस बचता है तो वो क्या बनेगा? इट डेवलप्स एज पेरिस्पर्म, अरेका कैटेचू यानी सुपारी, बिटल नट।
उसमें हम लोगों को पेरिस्पर्म की थीन पेपरी लेयर मिल सकती है, ब्लैक पेपर में मिलती है, काली मिर्च, बराबर। बीट में हम लोगों को इस तरीके से पेरिस्पर्म की लेयर जो है वो मिलती है। अब पेरिस्पर्म आया ही है तो पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म इनकी कंपैरिजन भी हम लोग कर लेंगे। जब मैं पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म इनकी कंपैरिजन करता हूं तो मैं एक 2 मार्क का क्वेश्चन यहां एक्सपेक्ट करता हूं एग्जामिनर की तरफ से कि वो हमें कभी पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिस्पर्म एंड एंडोस्पर्म, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिस्पर्म एंड एंडोस्पर्म। 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। पेरिस्पर्म ये डिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है। पी फॉर पेरिस्पर्म, डिप्लॉइड इन नेचर। ई फॉर एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड इन नेचर। पेरिस्पर्म ये प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट कहलाएगा क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के पहले से था, न्यू सीड से। एंडोस्पर्म जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है, बराबर। पेरिस्पर्म ये एम्ब्रियो सैक की नरिशमेंट के लिए था जब वो न्यूसीलस था। एंडोस्पर्म ये एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए बना हुआ है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए बना हुआ है। पेरिस्पर्म ये न्यूसीलस का रेमनंट है, बचा हुआ पार्ट है, जबकि एंडोस्पर्म ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से बना जो कि मेल गमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना था, बराबर। ऐसा 2 मार्क का मैं क्वेश्चन यहां एक्सपेक्ट करता हूं। अब जब मैं इन सीड्स का क्लासिफिकेशन देखता हूं या सीड्स को मैं क्लासिफाई करता हूं तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया यूज होता है क्या अपार्ट फ्रॉम मोनोकॉट एंड डाइकॉट? तो यस, मैं यहां सीड को प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म के कैरेक्टर पे, बराबर, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म के कैरेक्टर पे क्लासिफाई कर रहा हूं। इस बेसिस पे मुझे 2 टाइप की सीड्स मिलेगी। एक को मैं बोलता हूं एंडोस्पर्मिक सीड्स, जिनका दूसरा नाम है अल्ब्यूमिनस सीड्स। जिन सीड्स में एंडोस्पर्म मैच्योरिटी पे परसिस्ट करता है, जहां डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का पार्शियल यूटिलाइजेशन करता है, वहां हमें एंडोस्पर्म सीड में मैच्योरिटी पे मिलेगा। सो एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट एट मैच्योरिटी क्योंकि उसका पार्शियल यूटिलाइजेशन हुआ है, बराबर। तो वो रिजल्टेंट सीड विल बिकम एंडोस्पर्मिक सीड। जितने मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड्स जैसे कोकोनट है, मेज है, राइस है, बराबर, ये सब की सब मोनोकॉट सीड्स जो है वो एंडोस्पर्मिक है। बट एक सीड है जो डाइकॉट है और एंडोस्पर्मिक है, और वो है कैस्टर। कैस्टर बिलोंग्स टू फैमिली यूफोरबिएसी और उसका नाम है रिसिनस कम्युनिस। इस कैस्टर सीड का नेचर एंडोस्पर्मिक है, दो इट इज डाइकॉट। ओके, अब दूसरी जो कैटेगरी हम लोगों को सीड्स की मिलती है वो कैटेगरी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की है। इन केस ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, जिन्हें हम लोग एक्सालब्यूमिनस सीड्स ऐसा भी बोलेंगे,
इन सीड्स में मैच्योरिटी पे कोई एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि एंडोस्पर्म यहां कंप्लीटली यूटिलाइज होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल पी, बीन, बराबर एटसेट्रा, हम लोग नहीं लिखे तो वो गायब हो गया, ऐसा तो नहीं होता। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट और हम लोगों को याद रखनी चाहिए, ये जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होती है जिनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया है, इन सीड्स के कॉटिलेडन्स हमेशा सोलन, बल्जी और स्टोर्ड फूड के साथ होते हैं, जो अब जर्मिनेशन के वक्त हेल्प करेंगे। डाइकॉट्स में तो कॉटिलेडन ये कॉटिलेडनरी लीफ पेयर भी डेवलप करता है और पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गन करके डेवलप होता है। एंडोस्पर्मिक सीड का जो कॉटिलेडन होता है, आगे पढ़ने वाले हम लोग, वो थीन एंड पेपरी है, जिसको स्क्यूटेलम बोला जाता है। इट इज कंप्लीटली थीन एंड पेपरी। तो सीधी बात एकदम, वो ये कि एंडोस्पर्मिक सीड का कॉटिलेडन इज थीन एंड पेपरी और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का कॉटिलेडन इज सोलन बल्जी विद स्टोर्ड फूड। हम लोगों के टेक्स्ट बुक में दो डायग्राम्स है, उसमें से ये पहला जो है वो बीन सीड का डायग्राम है, बराबर डाइकॉट सीड है, बीन सीड नॉन एंडोस्पर्मिक, बराबर। एज यू कैन सी इन फर्स्ट डायग्राम, द सीड विच हैज डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल शोज अ स्कार दैट इज हाइलम, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन इंटेग्यूमेंट एंड द फ्यूनिकल, एंड इट हैज अ स्मॉल माइक्रोपाइल एट दिस पॉइंट, एंड दिस माइक्रोपाइल फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ वॉटर। During germination of seed, most important, one mark. Brother, when you open the seed, you find different parts of embryo axis. But let it be very clear that outer part represents its seed coat. Okay, this is epicotyl, which after germination will develop एपिकोटिल एंड प्ल्यूम्यूल, बराबर। यहां ऊपर ये प्ल्यूम्यूल के पार्ट को भी रेफर करता है। प्ल्यूम्यूल जो है वो प्ल्यूम्यूल हम लोगों को शूट सिस्टम में डेवलप होते हुए मिलेगा, बराबर। एपिकोटिल का इलोंगेशन होगा अगर, तो कॉटिलेडन जमीन के नीचे ही रहेंगे, वो जर्मिनेशन जो है वो कॉटिलेडन को नीचे रखेगा, तो हाइपोजियल जर्मिनेशन हो जाएगा। बट जब हाइपोकॉटिल का इलोंगेशन होता है तो वो एपीजियल जर्मिनेशन करवाएगा, और इसी हाइपोकॉटिल के साथ नीचे रेडिकल है जो रूट सिस्टम में डेवलप हो रहा है। कॉटिलेडन सर थीक बल्जी विद स्टोर्ड फूड मटेरियल। दो मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, जहां इन लेबल्स को किया जाए ABCD और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए। वैसे देखा जाए तो 11th क्लास के कुछ पॉइंट्स में था। द गिवन डायग्राम इज ऑफ मोनोकॉट सीड। कौन सा मोनोकॉट सीड? तो दिस इज मोनोकॉट सीड फ्रॉम द प्लांट मेज, जिया मेज। मेज इज सिंगल सीडेड कैरियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट, बराबर, जहां सीड कोट और फ्रूट वॉल यानी पेरिकार्प, बराबर, सीड कोट और फ्रूट वॉल यानी पेरिकार्प, इनका फ्यूजन हो गया और जो स्ट्रक्चर बना वो हो गया हल, एंड दैट हल बेसिकली एनक्लोजेस डिफरेंट पार्ट्स। द शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ के बड़ा वाला अपर पार्ट रिप्रेजेंट्स द एंडोस्पर्म
of that cell, which is lined by a proteinous layer, this one called as aleurone layer, cellular structure. Brother, the second half represents another papery thin shield shaped structures called as scutellum, which is basically the cotyledon of the cell. The embryo axis is characterized by presence of coleoptile, which covers the plumule. Then the radical and this radical is in turn covered by coleorhiza. दो मार्क के लिए डायग्राम हो सकता है इंपॉर्टेंट पार्ट. जिस तरीके से आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, उसी तरीके से ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट. सीड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो हार्मोन्स फ्रूट के डेवलपमेंट को इनिशिएट करते हैं. फ्रूट 11 क्लास में हमने पढ़ा है बराबर. यहां मैं सिर्फ फ्रूट कहां से डेवलप होता है ये बताने वाला हूं, फ्रूट वॉल के पार्ट्स बताने वाला हूं. फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन. द ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू फ्रूट वॉल. Ovary wall develops into fruit wall. Called as pericarp. जो दो फोटोज है आपके सामने वो ड्रूप टाइप के फ्रूट है, एक मैंगो और दूसरा कोकोनट. ये फ्रूट वॉल पेरिकार्प जो है इट इज मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट लेयर्स, आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प एंड इनसाइड दिस अ सीड इज प्रेजेंट. द मेसोकार्प इज हेयरी इन कोकोनट. ओके, ये दोनों फ्लेशी फ्रूट्स में है, ड्रूप्स बेसिकली ये ड्रूप करता है. सो फ्रूट के डिटेल्स तो हमें यहां लेने नहीं, हाँ लेकिन फ्रूट का और सीड का इंपॉर्टेंस हमें जरूर पढ़ना है. सिग्निफिकेंस क्या है फ्रूट और सीड, इनके डेवलपमेंट का सिग्निफिकेंस स्पेशली परपेचुएशन और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि फ्रूट्स नरिश करते हैं. Fruits provide nourishment. किसे? Developing seeds को. बराबर. दूसरा important point है कि fruits seeds को protect भी करते हैं. Fruits provide nourishment and fruits protect seeds. सीड क्या करती है? सीड हेल्प करती है प्लांट को प्रोपेगेशन में. बराबर, एक जगह से दूसरे जगह जाने में. और उसके लिए वो सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स भी डेवलप करती है जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचती है. ये ऐसा एक सीड आपने देखा होगा कभी, उसको बुड्ढी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में. हेयरी पैपस डेवलप होता है ये ऐसा और वो उड़ते हुए जाता है. ये सीड है और ये है पैपस, उसका उड़ते हुए जाती है सीड बराबर और सेटल हो जाती है. फिर सोंकस या डंडेलियन इसमें हम लोगों को ये मिलेगा, टैक्सेरेकम में भी मिलता है. अब इस सीड में एक कैरेक्टर भी डेवलप होता है और वो है डॉर्मेंसी, जो आगे चैप्टर्स में आने वाला है प्लांट ग्रोथ में. डॉर्मेंसी, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी.
एक्टिव ग्रोथ यानी डॉर्मेंसी। किसी भी टाइप का सीड तब तक जर्मिनेट नहीं होगा जब तक उसे फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती, और ऐसे स्टेज को हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंसी, जिसके वजह से सीड का सर्वाइवल वैल्यू बढ़ता है, बराबर। और हम लोग उन सीड्स को अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल है, जल उसके बाद में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में है, उनका स्टोरेज पॉसिबल होता है, उनसे फ्लोर बनाया जा सकता है, ये सब डॉर्मेंसी के वजह से है। जब वायबल यानी एबल टू जर्मिनेट, जब वायबल सीड को प्रॉपर कंडीशंस मिलेगी तभी वो जर्मिनेट होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू।